मशीन जो है अशोक लेलैंड का लाल हिंदो इंजन के साथ आती है। हम लोग पेटी बंद इंजन देते हैं, डिस्पोजल इंजन नहीं देते। मान के चलो आप ये मशीन अगर परचेज करते हो पंजाब में तो हम लोग यहाँ पे 17 लाख तक का लोन करवाते हैं। तो हमने इस चीज़ को लो मेंटेनेंस किया है। पहले क्या होता था, आइडल ब्लोअर की अलग अलग बेल्ट होती थी, इसमें हमने सिंगल बेल्ट की सेगमेंट दी है। इसका आप हम 80% से 90% तक करवा। पहले क्या होता था कि स्वराज का वेट ज़्यादा था, 9.5 टन के करीब था। अभी हमने इसका वेट 8.5 टन कर दिया, 7200 kg की मशीन कर दी है, 1460 kg का कटर बार कर। तो किसान साथियों नमस्कार, आज मैं लेके आया हूँ जी आपके लिए स्वराज कंपनी की कंबाइन, और मेरे साथ हैं भाई साहब जो आपको इसकी A to Z जानकारी देंगे, इसकी कीमत भी कितनी है, इसकी फ्यूल कंजप्शन वगैरह सब इसके बारे में बताएंगे जी। तो जो किसान भाई मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ किसान भाई आ रहे हैं, हम लोग सबका स्वागत कर रहे हैं। और भाई साहब मैं आज जो हमारा स्पेशल वीडियो है कि जो हम लोग कंबाइन के बारे में बताना जा रहे हैं, जो हमारी आती है 8100EX कंबाइन स्वराज की, एक भारतीय कंबाइन है जो सबसे पहले हमने स्टार्ट की थी 1981 में। तो ये 8100 इसका नाम भी तब से पड़ा है। और इस कंबाइन में हमारा जो जितना भी जो मार्केट में कंबाइनें आ रही हैं, इसमें हमारा जो स्पेयर पार्ट है या मान के चलो जितनी भी सारी इसमें स्पेसिफिकेशन है, सब जेन्युइन है, जो भारतीय तकनीक को देखते हुए बनाई गई है। और जैसे इसका अगर अपन बात करें अपन लोग स्पेसिफिकेशन की, तो आप इधर आ जाइए। इसमें जो कटर बार आता है वो 14 फिट का आता है, 14 फिट का। हाँ, 14 फिट का कटर बार आता है। और उसमें जो अभी हमने सुधार किए गए हैं, जैसे पहले हमारी जो कटर बार का आता था वो 5 आते थे, जो रील के पाइप रहते थे, अब हमने जो पाइप्स में सुधार किया गया वो 6 पाइपों वाली रील आ रही है। और जो जितनी पहले हमारी जो कंबाइन आती थी 2005 के पहले, वो सिंगल किस्ती में आती थी, ये कंबाइन आपको डबल किस्ती में मिलेगी, डबल सी। अगर बात करें हम लोग इसके ब्लोअर और इस चीज़ की, तो हमने इस चीज़ को लो मेंटेनेंस किया है। पहले क्या होता था, आइडल ब्लोअर की अलग अलग बेल्ट होती थी, इसमें हमने सिंगल बेल्ट की सेगमेंट दी है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे इसमें आगे वाले 18 के टायर आते हैं और पीछे वाले 8-25 के आते हैं। अगर अपन पीछे के सेगमेंट की बात करेंगे तो इसमें ये जो सीव्स हैं, पहले जैसे आती थी छोटी सीव्स आती थी, जिसके कारण क्या होता था, ग्रेन लॉन्स की ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, जैसे जो मुच्छड़ चोना होता है, जहाँ मान लो भारी जो होते हैं वेस्टेज ज़्यादा होती थी, उसके कारण मान लो सिंगल से हमने डबल किस्ती की, उसके बाद हम इसकी सीव्स भी बड़ी कर दी, जिससे क्या है ग्रेन लॉस की प्रॉब्लम नहीं आती। और उसके अलावा ये स्टॉप वॉकर है ऊपर, स्टॉप वॉकर हमने 13.5-13 फिट के कर दिए, जिससे क्या है मान लो जो स्ट्रॉ अच्छे से छन के जाता है, और जो ग्रेन है आपको, अगर ग्रेन आप इस कंबाइन से ग्रेन वीट या मान लो मक्का किसी भी तरीके की फसल काटते हैं, तो आपको डीलरशिप मतलब के वहाँ पे ले जाके मंडी में ले जाके पक्का लगाने की ज़रूरत नहीं, इसकी इतनी सफाई आती है। और अगर इनके स्टॉप वॉकर की बात करें तो हमने 13.5-13 फिटों के स्टॉप वॉकर कर दिए। और उसके अलावा इसके जो स्टेप्स होते हैं, पहले इसके स्टेप्स पे क्या होता था, हम लोग 5 स्टेप होते थे जिन पे आरे लगते हैं, अभी 6 स्टेप हैं। तो 6 स्टेप करने से क्या है, स्ट्रॉ भी पूरा छन के जाता है पीछे की तरफ से। उसके बाद अगर अपन इसकी बात करें शीट मेटल की, और हमारा जो सारा जो शीट मेटल कंबाइन पे लगा हुआ है पूरा टाटा स्टील की चादर से भी A1 क्वालिटी का हमारा जो है, क्योंकि हम लोग खुद का मैन्युफैक्चर करते हैं हर चीज़। और अगर अपन लोग इसके कलर की बात करें, और कलर हमारा पूरा टोटल है जो भट्टी पेंट है, और लेज़र कटिंग हमारी शीट की वो आती है। और उसके अलावा अगर इसके सामान की हम लोग बात करें, ये ट्रैक्टर की तरह इसमें सामान पड़ता है, जैसे मान लो अपन लोग ट्रैक्टर में क्या होते हैं सामान लगाते हैं, तो हमारा जो जेन्युइन स्पेयर पार्ट जिसको अपन बोलते हैं, आप किसी भी मान लो स्पेयर पार्ट वाले के पास जाओ, उसको बोलो भाई इस नंबर की हमको शावर चाहिए, इस नंबर का बैरिंग चाहिए, आप डायरेक्ट फिटिंग कर सकते हो। उससे क्या होता है आपका टाइम भी बचता है, और क्या होता है कि आपका मान लो कोई सीजन में ब्रेकडाउन आ जाती है तो आपको खरादिए वरादिए को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें हर जगह जो है इसका पार्ट भी उपलब्ध, बिल्कुल हमारा ऑल इंडिया में हमारे सेंटर बने हुए हैं। अगर आप मान लो MP में जाते हैं तो हमारे 3 जगह सेंटर हैं, जैसे भोपाल है, अपना कटनी है, या इस टाइप के हो, जैसे हम लोग पंजाब की बात करें तो आपको फिरोजपुर है, हमारा जगराओं है, या मान के चलो मोहाली है, जहाँ मान के चलो हमारा सेंटर पड़ जाता है राजपुरा है, यहाँ पे आपको हर जगह सेंटर मिलेंगे इसके। एक बार इसका ट्रांसमिशन के बारे में जरूरत है। हाँ, इसका जो ट्रांसमिशन है हमारा खुद का मैन्युफैक्चर स्वराज का है, जिसकी हम लोग
मतलब कि 6 साल की वारंटी देते हैं कि ये खुलता नहीं है, क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि मान लो जो अभी मार्केट में नाभा मार्का मशीनें चल रही हैं उनका लोकल टाइप का मान लो गेयर बॉक्स आता है, और उसके अलावा अगर इनकी रिडक्शने की बात करें तो हमारी रिडक्शने और गेयर मार्केट में सबसे सर्वोत्तम है। अगर आप नाभा में चले जाओगे आपको ये कि स्वराज टाइप गेयर चाहिए जहाँ स्वराज टाइप रिडक्शने चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं 25 से 30 हज़ार रुपया महंगी मिलेंगी। और उसके अलावा इसमें जितना भी भाई सब सामान लगा हुआ है सब A1 क्वालिटी का, मान लो अगर आरवी डोल की बात करेंगे तो लाइका कंपनी का लगा हुआ है, मान के चलो जितना भी बेल्टें हैं मान लो आरवी टोल है सिलेंडर है या जितने बैरिंग लगे हुए हैं इसमें SKF UPC के बैरिंग लगे हुए हैं, मतलब सारी कंबाइन में जो है A1 क्वालिटी का माल है और किसी भी मतभेद के साथ इसको नहीं बनाया जाता कि कोई यूपी से आ रहा है कस्टमर या बिहार से आ रहा है उसके लिए कुछ अलग पीस तैयार करना है। ऊपर के लिए चलो मैं आपको ऊपर का एरिया भी दिखा देता हूँ। ये बात करेंगे तो जैसे पहले कैनोपी हमारी दूसरी आती थी, अभी हमने जो कैनोपी भी है वो भी हमने अभी दूसरे प्लास्टिक की लगा दी, फाइबर की लगा दी है, जिसके कारण क्या है कि आप जैसे आप मान लो वहाँ तारें वगैरह होती हैं बिजली की उसके कारण कोई दिक्कत नहीं होता, करंट वरंट का ड्राइवर पूरा सेफ रहता है। उसके बाद इसमें क्या है कनेक्टर सीट भी नहीं आता था पहले, अब हमने वो भी लगा दिया है। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा एकदम का होता है, और ये मशीन जो है अशोक लेलैंड का लाल हिंदू इंजन के साथ आती है, हम लोग पेटी बंद इंजन देते हैं डिस्पोजल इंजन नहीं देते मार्केट में। अशोक लेलैंड का इसमें इंजन आता है 101 इसमें 18 क्विंटल का है जी ग्रेन टैंक की कैपेसिटी, हाँ ग्रेन 18 क्विंटल का आ जाता है। और अगर इसके वेट की अपन बात करें, पहले क्या होता था कि स्वराज का वेट ज़्यादा था 9.5 टन के करीब था, अभी हमने इसका वेट 8.5 टन कर दिया, 7200 kg की मशीन कर दी है, 1460 kg का कटर बार कर दिया। कीमत भाई साहब ये पंजाब में अगर आप इसको खरीदना चाहोगे तो इसकी कीमत है 23,60,000 रुपया। फाइनेंस इसका आप हम 80% से 90% तक करवा सकते हैं, 90% तक करवा देते हैं। उसके साथ जैसे मान के चलो आप ये मशीन अगर परचेज करते हो पंजाब में तो हम लोग यहाँ पे 17 लाख तक का लोन करवा देते हैं। और मैं हमारे और भी हमारे जैसे भाइयों को बताना चाहूँगा कि अगर किसी को कंबाइन के बारे में कोई जानकारी चाहिए या कंबाइन के बारे में कोई इंक्वायरी देनी है तो आप हमारे नज़दीकी जो डीलर है ना जैसे स्वराज का जो भी ट्रैक्टर का डीलर है आप उसके पास जाके हमारी कंबाइन की जानकारी ले सकते हैं। तो एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर जोड़ दें। हाँ जी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिएगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7844070005। हाँ जी धन्यवाद। तो